अब सिंहासन तो तैयार है, लेकिन इंतजार इस बात को लेकर कि 3 तारीख को आखिर कौन बैठेगा, और इसका फैसला कल पूरी जनता प्रदेश की करने जा रही है, क्योंकि विधानसभा चुनाव 2023 कल होने जा रहे हैं। मतदान दलों की रवानगी से पहले का प्रशिक्षण भी अब पूरा हो गया है। ईवीएम के साथ मतदान दलों की रवानगी शुरू हो चुकी है। जिले के 19 विधानसभा क्षेत्रों के लिए 3 जगह से रवाना होंगे मतदान दल। जामियतुल हिदाया, भवानी निकेतन शिक्षा समिति और राजस्थान कॉलेज से हो रहे हैं रवाना। राजस्थान कॉलेज से पहली पारी में बकरू, बस्सी और चाकसू विधानसभा क्षेत्र के लिए रवाना होंगे मतदान दल। जिले के 19 विधानसभा क्षेत्रों में कुल 4,691 मतदान केंद्र बनाए गए हैं, तो जिसके जो करीब होगा वो वहां पर जाकर अपने मत का इस्तेमाल कर सकेगा, अपने इलाके में जाके अपने मत का इस्तेमाल कर सकेगा। और इसे लेकर कुल 19 सीटों पर, राजधानी जयपुर की बात कर रहे हैं, 4,691 मतदान केंद्र बनाए गए हैं। तो मतदान केंद्रों पर जाने के लिए ये पूरा प्रशिक्षण पूरा हो चुका है, मतदान दलों की रवानगी शुरू हो चुकी है। ज्यादा जानकारी देंगे हमारे सहयोगी विनोद सिंह चौहान हमारे साथ जुड़ चुके हैं। विनोद, आपके पास क्या कुछ जानकारी है, क्योंकि 19 विधानसभा सीटों के लिए मतदान दल रवाना हो चुके हैं, जितने सेंटर्स बनाए गए हैं वहां पर तैयारियां भी पूरी कर ली गई होंगी। देखिए, इस समय हम राजस्थान कॉलेज में हैं, जहां 2 पारियों में 6 विधानसभाओं को बांटा गया है। पहली पारी में बगरू, दूदू और चाकसू की पोलिंग पार्टियां रवाना होंगी, और आप देख सकते हैं ये दूदू का नज़ारा है। ये दूदू की पोलिंग पार्टियां हैं, जहां पर 4 मतदान कर्मियों सहित 1 पुलिसकर्मी, यानी 1 मतदान केंद्र पर 5 कर्मचारी रहेंगे, और ये किसी भी समय रवाना हो सकते हैं। ये तैयारी पूरी है, केवल हरी झंडी का इंतजार है। अभी इन्हें बसों का आवंटन किया जाएगा कि किस पोलिंग पार्टी को कौन से मतदान केंद्र में जाना है और कितने नंबर बस में बैठना है। ये पूरा नज़ारा है, देखिए आप, यहाँ पर 3 विधानसभा क्षेत्रों के कार्मिक हैं, और देखिए आप बिल्कुल कैसा नज़ारा। और थोड़ी देर बाद ये रवाना होंगे और लगातार मुनादी की जा रही है। एक बड़ी बात ये भी है कि देखिए, यहाँ पर इन पोलिंग पार्टियों का जो मुखिया है या कोई कर्मचारी मौके पर नहीं आया है, तो मौके पर ही उसके खिलाफ विभागीय कार्रवाई की जा रही है, नोटिस तैयार किया जा रहा है, उस कर्मचारी की जगह दूसरे रिजर्व कर्मचारी को लगाया जा रहा है। तो बड़ी सख्ती के साथ काम किया जा रहा है कि आदर्श आचार संहिता के बीच जिम्मेदारी के साथ तय किया जाए कि यहाँ से जो पोलिंग पार्टी रवाना होगी वो 48 घंटे तक अपनी जिम्मेदारी संभालेगी, उसकी जिम्मेदारी तय होगी, सारे चीज़ें, सारे दिशा निर्देश जो दिए जा रहे हैं उनका अक्षरशः पालना हो, तरीके से पालना हो, आदर्श आचार संहिता के बीच चुनाव संपन्न किया जाए। क्योंकि देखिए, 24 घंटे का समय भी नहीं है, सुबह 7 बजे से मतदान शुरू हो जाएगा, पोलिंग पार्टियां रवाना होंगी, मतदान केंद्र में पहुंचेंगी, रात को ये दल वहीं रुकेगा जहां पर संवेदनशील बूथ हैं, वहां पर CRPF की टीम लगाई गई है, विशेष व्यवस्था की गई है, वेबकास्टिंग के जरिए वोट कराए जाएंगे, ताकि सारी चीज़ें कैमरे में कैद हो, सुरक्षा घेरे में रहे, आदर्श आचार संहिता के बीच चुनाव संपन्न कराए जा सकें। और ये वो नज़ारा है जो थोड़ी देर बाद पोलिंग पार्टियां यहां से रवाना होंगी, अपनी अपनी बसों में बैठेंगी। ये देखिए, अंतिम रूप दिया जा रहा है जी, मैं कैमरामैन गिरीश से कहूंगा ये दिखाएं कि अंतिम रूप देखिए किस तरीके से तैयारी की जा रही है, और कर्मचारी देखिए। पूनम, एक बड़ी बात ये भी है कि जो अधिकारी हैं वो लगातार मुनादी कर रहे हैं कि आपको किस रूप में काम करना है। तो हम एक मनोज कुमार जो यहाँ पर अधिकारी हैं और लगातार प्रशिक्षण दे रहे हैं पिछले कुछ दिनों से, उनसे हम बात भी करेंगे। कैमरामैन को कहूँगा कि एक बार वो आए जी। मनोज जी, क्या क्या प्रशिक्षण दिया जा रहा है, मतदान से पहले की जिम्मेदारियां तय की गई हैं, और मतदान के दौरान क्या क्या होगा, किस तरीके से रहेगा? जी, यहाँ पे विधानसभा चुनाव 2023 में इस साल जो है सभी प्रथम प्रशिक्षण और द्वितीय प्रशिक्षण सभी को दिए जा चुके हैं, और पूरी पोलिंग टीम जो है अपने प्रशिक्षण के लेकर आश्वस्त हैं, और सफलतापूर्वक निश्चित रूप से 25 तारीख को सफलतापूर्वक चुनाव संपन्न करा पाएंगे। इस बार जो है मतदान 25 तारीख को सुबह प्रातः 7 बजे से लेकर शाम को 6 बजे तक निर्धारित किया गया है समय। सभी जो प्रशिक्षण प्राप्त करने वाली टीमें हैं उन सभी को उनके निर्धारित कर्तव्यों का भलीभांति से अवगत करा दिया गया है। इस बार जो मतदान है उसमें सबसे पहले जो है मॉक पोल का आयोजन 90 मिनट पहले, वास्तविक मतदान से 90 मिनट पहले जो है निर्धारित किया गया है, जिसमें पोलिंग एजेंट्स की
उपस्थिति 15 मिनट की इंतजार तक ही मानी जाएगी। उसके बाद में यदि पोलिंग एजेंट्स आते हैं तो भी उनको टीम में शामिल करके और चुनाव संपन्न कराया जाएगा। पीठासीन अधिकारी अपने जो है समस्त कार्यों का निर्वहन करेंगे। उन सभी को प्रशिक्षण दिया जा चुका है, प्रथम प्रशिक्षण भी दिया जा चुका है, द्वितीय भी दिया जा चुका है और आज अंतिम प्रशिक्षण रवानगी के समय भी दिया जा रहा है सभी पार्टियों को। पोलिंग ऑफिसर फर्स्ट जो हैं वो अपने पहचान, प्रत्येक मतदाता की पहचान सुनिश्चित करेंगे और पोलिंग ऑफिसर सेकंड जो है हम उन सभी की 17 का रजिस्टर में एंट्री करेंगे और उसके साथ ही जो है मतदाता सूची, मतदाता पर्ची जारी करने के बाद में वो अमित शाही जो है कि बाएं हाथ की तर्जनी उंगली पर लगाए जाना निश्चित किया गया है वो लगाएंगे और उसके बाद में जो है पोलिंग ऑफिसर सेकंड जो कि मतदाता पर्ची लेने के उपरांत कंट्रोल यूनिट पर बैलेट जारी करेंगे। मतदान के दौरान कितने घंटे में आप तय करेंगे कि कितना वोट पड़ चुका है? मतदान के दौरान प्रत्येक एक घंटे बाद में जो है सेक्टर ऑफिसर जो है प्रत्येक घंटे में जो है कितना वोटिंग हुआ है, कितना बूथ पर जो है वोट कास्ट किया जा चुका है, उन सभी की सूचना सेक्टर ऑफिसर्स को दी जाएगी। एक मतदाता कितनी देर मतदान केंद्र में रुकेगा? एक मतदाता के लिए 7-8 सेकंड का समय होता है जब तक कि उसमें पोलिंग के दौरान कंट्रोल यूनिट में जो बीप की आवाज आती है इसमें कम से कम 7-8 सेकंड का समय लगता है। तो प्रत्येक मतदाता को अपने वोटिंग कंपार्टमेंट 7-8 सेकंड रुकना है। और अगर बीप की आवाज नहीं आती है, मशीन में खराबी होती है, तो कैसे पता चल पाएगा? यदि मशीन में कोई खराबी आती है तो इसमें पीठासीन अधिकारी साहिबान जो है अपने सेक्टर ऑफिसर को बात करेंगे, उन्हें सूचित करेंगे और उच्च अधिकारी जो है उनके पास में जो सेक्टर ऑफिसर के पास में निर्धारित 5-5 सेट उनको उपलब्ध कराए गए हैं और वो तुरंत ही 15-20 मिनट में मशीन को रिप्लेस करके दूसरी मशीन लगा दी जाएगी। तो ये हैं मनोज कुमार जो बता रहे हैं मतदान। बिल्कुल विनोद, क्योंकि बहुत ही महत्वपूर्ण जानकारी थी जनता तक पहुंचाने के लिए, मतदाता तक पहुंचाने के लिए। आपका आगे भी रुक करेंगे, आप बने रहिएगा हमारे साथ। अजमेर से शुभम भी हमारे साथ जुड़ चुके हैं, जोधपुर से राजीव गौर भी हमारे साथ जुड़ चुके हैं। सबसे पहले शुभम, मैं आपके पास आना चाहूंगी, आपके पास क्या कुछ जानकारी, किस तरीके की तैयारी वहां नजर आ रही है? क्या मतदान दलों की रवानगी यहाँ पर हो चुकी है? जी बिल्कुल, देखिए मतदान दलों की रवानगी अभी नहीं हुई है लेकिन जो पहला चरण है वो अब अंतिम चरण पर पहुंच चुका है, अंतिम उसका चल रहा है क्योंकि प्रशिक्षण पूरा हो चुका है। अब जो मतदान दल है वो अपनी अपनी सामग्री लेने के लिए केंद्रों पर पहुंच रहे हैं। आप देख सकते हैं मेरे पीछे जो केंद्र बने हुए हैं ये वही केंद्र हैं, यहाँ पर मतदान दल पहुँच रहे हैं। धीरे धीरे उनका प्रशिक्षण खत्म हो रहा है, उसके बाद वो यहाँ पर पहुँच रहे हैं और यहाँ पर पहुँचने के साथ साथ जिन कर्मचारियों ने काम मतलब अपना वोट देना है उनके वोट की व्यवस्था भी यहाँ पर की गई है। डाक मत यहाँ पर पहले डाल सकते हैं, उसके बाद वो उसके बाद अपनी ड्यूटी पर जा सकते हैं, तो उसकी व्यवस्था भी यहाँ पर की गई है। और जो प्रशिक्षण है उसके पूर्ण होने के बाद अब कुछ जो कर्म जो मतदान दल है उनको ईवीएम मशीन भी मिल चुकी है और उसके बाद अब 10 बजे उनको वाहन अलॉट हो जाएगा। 10 से 11 का टाइम दिया गया है वाहन अलॉट का, उससे पहले प्रशिक्षण, प्रशिक्षण के बाद सामग्री और सामग्री के बाद जो डॉक्यूमेंटेशन होता है वो होने के बाद ईवीएम, ईवीएम के बाद फिर गाड़ियाँ उनको प्राप्त होगी जो कि मतदान केंद्रों तक उनको लेके जाएगी। तो उसको लेकर के तैयारियाँ पूर्ण हो चुकी है और आज पहले चरण के अंदर किशनगढ़, ब्यावर, मसूदा और केकड़ी इन चार जो विधानसभाओं को रखा गया है क्योंकि ये यहाँ से मतदान जो यहाँ पॉलिटेक्निक कॉलेज है यहाँ से काफ़ी दूर है, दूरी होने के चलते तो उससे पहले चरण में लिया गया है। फिर उसके बाद अजमेर उत्तर, अजमेर दक्षिण, नसीराबाद और पुष्कर इन चारों विधानसभाओं को लिया जाएगा जो कि 11 बजे के बाद शुरू होगा। उनका पहले प्रशिक्षण किया जाएगा, उसके बाद उनकी सामग्री दी जाएगी, डॉक्यूमेंटेशन होगा और उसके बाद जो कह सकते हैं कि ईवीएम दी जाएगी और करीब 2 बजे के बाद जो मतदान दल है वो दूसरे चरण के रवाना होंगे। प्रशिक्षण पूरा हो चुका है, अब सामग्री वितरित की जा रही है, चाहे वो पुलिस के जवान हो चाहे वो प्रशासनिक अधिकारी हो, सब यहाँ पे मुस्तैद हैं और अपनी अपनी ड्यूटी पर जाने के लिए तैयार हैं। जिन्होंने मतदान नहीं किया उनके मतदान की व्यवस्था भी यहाँ पे की गई है। जिला निर्वाचन अधिकारी जो है डॉक्टर भारती दीक्षित वो खुद इसको मॉनिटरिंग कर रही हैं, वो खुद यहाँ पे मौजूद हैं। उनके मौजूद होने के साथ साथ तमाम अधिकारी जो हैं वो अपनी व्यवस्था को संभाले हुए हैं, चाहे पुलिस की व्यवस्था हो तो अजमेर एसपी भी यहाँ पे मौजूद है, कलेक्टर की प्रशासनिक व्यवस्था है, निर्वाचन अधिकारी की व्यवस्था है, तो कई रिटर्निंग अधिकारी भी यहाँ पर हैं, वो खुद भी विजिट कर रहे हैं। अभी विजिट करके गए, किस तरीके की कोई परेशानी तो नहीं आ रही, मतदान हो रहा है उस मतदान के अंदर कोई दिक्कत तो नहीं आ रही कर्मचारियों के, और अन्य व्यवस्थाओं को लेकर के यहाँ पर प्रत्येक स्तर पर मॉनिटरिंग की जा रही है। और मैं आपको बता दूँ पहली बार जो मतदान यहाँ पर जो मतदान दल रवाना किए जा रहे हैं उनके लिए तमाम व्यवस्था ऐसी की गई है कि उन्हें किसी तरीके की परेशानी नहीं आए। और एक रोड मैप जो है वो बाहर तैयार कर दिया गया है, कौन से मतदान दल को कहाँ पे जाना है, कौन सा विधानसभा क्षेत्र है, वो कौन से कमरे में है और कौन से बूथ पर है और कौन से कहाँ से उनको लेनी है सामग्री, वो सब एक मैपिंग करके लगा दिया गया है ताकि किसी को कोई दिक्कत नहीं हो।
तो उसका ध्यान रखा गया है और वही कारण यही है कि दोपहर में 2 बजे तक किसी भी हालत में ये ग्राउंड खाली कर दिया जाएगा ताकि जो मतदान दल है वो अपने अपने केंद्रों पर पहुंच जाए, वहां पे अगर कोई परेशानी है कोई दुविधा है तो उसको तुरंत दुरुस्त कर लिया जाए, क्योंकि सुबह 7 बजे से मतदान शुरू हो जाएगा तो उससे पहले ये तैयारियाँ पूरी होना जरूरी है। ठंड का समय है, रात्रि जो निकलनी है उसको लेकर के भी तैयारियाँ पूर्व में ही कर दी गई थी कि उधर गद्दे और रजाई की व्यवस्था होती है, और उसके अलावा जो सुरक्षा व्यवस्था है संवेदनशील और अति संवेदनशील केंद्रों पर उनके लिए जो पैरामिलिट्री फोर्सेस की टुकड़ियाँ अजमेर के अंदर आई हैं, करीबन 6 टुकड़ियाँ अजमेर के अंदर आई हैं, तो वो अलग अलग जगहों पर डिस्ट्रीब्यूट कर दी गई है, और उनकी जो फ्लैग मार्च है वो किया जा रहा है, प्रशासन जो है पुलिस प्रशासन जो है वो भी मुस्तैद है, और जो लोकल स्तर पर जो पुलिसकर्मी वहाँ पर तैनात किए गए हैं उनको भी सख्त निर्देश दिए गए हैं कि किसी भी तरीके की लापरवाही बर्दाश्त नहीं की जाएगी, कोई भी संदिग्ध व्यक्ति दिखे तो उसको तुरंत पूछना है, उसे पूछताछ करनी है, अगर वो सही स्पष्ट जवाब नहीं दे पाता है तो उस पर कार्रवाई की जाएगी। तो इस तरीके के जो अति संवेदनशील और संवेदनशील मतदान केंद्र हैं उनको लेकर के गाइडलाइंस भी यहाँ पर जारी की गई है, प्रशिक्षण के अंदर भी उनको बताया गया है किस तरीके से काम करना है, क्योंकि मतदान दल जो रवाना होगा करीब शाम को 5 बजे तक सारे मतदान दल अपने अपने ठिकानों पर पहुँच जाएंगे, अपने अपने मतदान केंद्रों पर पहुँच जाएंगे, वहाँ पर उनको सुबह तक का समय और सुबह जब पोलिंग होना शुरू होगी जब से शाम को पेटी पैक करने तक का समय और वापस यहाँ पर आने का समय क्या क्या करना है, किस तरीके से करना है, क्या क्या कैसे हैंडल होगा, उसके बारे में ट्रेनिंग दी गई है। उस ट्रेनिंग के बाद अब उनको सामग्री दी जा रही है, और सामग्री देने के बाद अब जो वो बसें हैं जो 10 बजे उनको अलर्ट होगी, और 10 बजे के बाद यहाँ पर एक जमावड़ा बसों को दिखेगा जो कि मतदान केंद्रों पर पहुँचेगा। ठीक है शुभम, आप विस्तार से जानकारी दे रहे हैं, लेकिन किस तरीके का माहौल अब बनता नजर आ रहा है, मतदाता किस तरीके की बातें अब करते नजर आ रहे हैं, क्योंकि चुनाव प्रचार जो है उसका शोर थम गया है, डोर टू डोर सिर्फ अभी मत मांगे जा रहे हैं नेताओं द्वारा, वो भी आज शाम को एक गाइडलाइंस के अनुसार वो भी शोर थम जाएगा, लेकिन कल अपने मत का इस्तेमाल कर पाएंगे। जोधपुर जहां की सीट्स हॉट सीट्स बनी हुई है हमेशा की तरह, वहां पर किस तरीके की तैयारी की गई है, राजीव गौर सहयोगी हमारे साथ बने हुए हैं, उनका रुख कर लेते हैं। राजीव, आपके पास क्या कुछ जानकारी है, क्या तस्वीरें आप देख पा रहे हैं, कहां पर मौजूद है? देखिए पूनम, कल लोकतंत्र का महापर्व है, उस पर्व में अपनी अपनी आहुति देने के लिए जिला प्रशासन की ओर से डेप्यूट किए गए तमाम जो कर्मचारी अधिकारी हैं वो पूरी तरह मुस्तैद हैं। प्रशिक्षण के बाद में अब थोड़ी देर बाद में यहाँ से रवानगी होगी। सहयोगी भवन सिंह आपको तस्वीर दिखा रहे हैं, ईवीएम मशीनें जो अलॉट की गई है, तमाम जो पुलिस अधिकारी हैं, कर्मचारी हैं, ऑब्जर्वर्स हैं, उन सबकी ड्यूटी जो लगाई गई है, ये तस्वीरें देखिए, ये कल के जो महाकुंभ है उसको लेकर के की गई तैयारियों के ये एक मजमून है जिसको देखा जा सकता है कि किस तरीके से मतदान को निष्पक्ष कराना है, नियमानुसार कराना है, भारत निर्वाचन आयोग के आदेशों की पालना करनी है। और आप देख सकते हैं कि जिस तरीके ये जो तस्वीरें हैं ये साबित करती हैं कि इस महापर्व के अंदर जिन जिन को जो जो दायित्व सौंपा गया वो उसको पूरा करें। जोधपुर के जिला निर्वाचन अधिकारी हिमांशु गुप्ता के निर्देशन के अंदर जो तमाम आवश्यक तैयारियाँ पूरी की गई है, सबसे पहले फलौदी है, लोहावट है, गोपालगढ़ है, और हैं जो ज्यादा दूरी के जो सेंटर्स हैं वहां पर जिस तरीके से पहले यहाँ पे मतदान दल रवाना होने वाले हैं तैयारी है, और उसके बाद में दूसरे चरण में अगर बात करें तो बाकी जो शेष रहेंगे चाहे जोधपुर शहर है, सुरसागर है, सरदारपुरा है या आसपास लूणी है, उस इलाके के जो मतदान दल हैं वो रवाना होंगे। कुल मिलाकर के नियमानुसार किस तरीके से मतदान कराया जा सके, किसी प्रकार की त्रुटि नहीं रहे, किसी प्रकार की कमी नहीं रहे, तो ऐसे में तकनीकी आधार पर भी उनको ट्रेनिंग किया गया है। जो नियम है निर्वाचन आयोग के उनके तहत भी को ट्रेनिंग किया गया, माना जा रहा है कि जो पुलिस कमिश्नर यहाँ के जो रविदत्त गौड़ हैं और साथ में अगर डीसीपी की बात करें अमृता दुहन और गौरव यादव के अलावा पुलिस के जो आईजी हैं जयनारायण शेर वो जब व्यवस्था देकर ग्रामीण एसपी धर्मेंद्र सिंह व्यवस्था देकर शांतिपूर्ण चुनाव कराने के लिए पूरी चाकचौबंद तैयारियाँ कर ली गई। जी चलिए ठीक है राजीव, बहुत शुक्रिया इस जानकारी के लिए, लेकिन आप तक वहां की तस्वीरें दिखा रहा है, हर एक अपडेट पहुंचा रहा है, जानकारी दे रहा है आपको। हमने जोधपुर की तस्वीर दिखाई, राजधानी जयपुर की तस्वीर दिखाई, इसके अलावा अजमेर की तस्वीर दिखाई, अब आपको लेकर चलते हैं कोटा। भंवर स्टारर से होगी हमारे साथ जुड़ चुके हैं, भंवर आपके पास क्या कुछ जानकारी है, किस तरीके की तैयारी यहां पर की गई है? आगे के
देखिए लास्ट ट्रेनिंग का सेशन हो रहा है और एक तरह से मतदान का जो महायज्ञ है उसमें अपनी आहुति देने के लिए इस पूरे प्रोसेस की सबसे महत्वपूर्ण कड़ी यानी मतदान कर्मी अब रवाना होने वाले हैं। मैं आपको सीधी तस्वीरें दिखा रहा हूं कोटा के महाराव उमेद सिंह स्टेडियम से, जहां आप देख रहे हैं कि जो मतदान कर्मी है वो इस वक्त अंतिम प्रशिक्षण में अपनी जो अंतिम तैयारी है वो यहाँ पर कर रहे हैं। कोटा में 14 लाख से भी अधिक वोटर्स हैं और 1450 के आसपास जो पोलिंग बूथ्स हैं उनका गठन किया गया है। उनमें से जो आधे बूथ हैं उन पर वेबकास्टिंग की भी व्यवस्था की गई है और फिलहाल उमेद सिंह स्टेडियम से इन दलों की रवानगी का जो दौर है वो लगातार जारी है। कोटा जिले में कुल मिलाकर के विधानसभा की 6 सीटें हैं। पहली कड़ी में यहाँ की जो देहात की 3 सीटें हैं, पिपलदा सीट, रामगंज मंडी सीट और सांगोज सीट, वहाँ के लिए जो पोलिंग पार्टीज है उनको रवानगी दी जा रही है। और दूसरी कड़ी में जो शहर की 3 सीटें हैं, कोटा उत्तर सीट, कोटा दक्षिण सीट और लाडपुरा सीट, वहाँ के लिए जो पोलिंग पार्टीज है उनको रवानगी दी जाएगी। करीब करीब 600 वाहनों का अधिग्रहण किया गया है पूरी चुनावी प्रक्रिया को संपन्न कराने के लिए। और कल सवेरे 7 बजे के बाद से जो मतदान का दौर है वो शुरू हो जाएगा। कोटा के बारे में खास बात यह है कि कोटा वो जिला है जिसने पिछले विधानसभा चुनाव में पूरे प्रदेश में मतदान का सबसे अव्वल आंकड़ा हासिल किया था। यहाँ पर एक लंबी चौड़ी स्वीप गतिविधियां बहुत दिनों से चलाई गई ताकि मतदान की बेहतर प्रक्रिया और मतदान का बेहतर आंकड़ा इस बार भी कोटा में रह सके। कई सारे नवाचार किए गए, कई पिंक बूथ बनाए गए हैं, कई दिव्यांग बूथ बनाए गए हैं, कई यूथ बूथ बनाए गए हैं जहाँ डेडिकेटेडली उसी कैटेगरी का जो पूरा का पूरा मतदान दल है वो वहां पर तैनात रहेगा। लेकिन आप तस्वीरें फिलहाल देख सकते हैं, पोलिंग पार्टीज लगातार आपको यहां पर नजर आ रही है और अलग अलग मतदान दलों का गठन करके और इन दलों को जो रवानगी देने का पूरा दौर है और साथ में जो लास्ट ट्रेनिंग का सेशन है वो यहां पर संपन्न किया जा रहा है। और कोशिश की जा रही है कि एरर फ्री पूरी तरह से वोटिंग का काम रहे। और आपको मैं मंच की तस्वीरें दिखाने की कोशिश करूँगा, देखिए रिटर्निंग अधिकारी, जिला निर्वाचन अधिकारी, सहायक जिला निर्वाचन अधिकारी और पूरी जो प्रशासनिक टीम है, पूरा जो अधिकारियों का कुनबा है, पुलिस प्रशासनिक अधिकारी है, वो यहाँ पर लगातार मौजूद हैं। और यहाँ जिस तरह की तैयारी यहाँ पर है वो लास्ट जो सेशन है ट्रेनिंग का वो यहाँ पर लगातार हो रहा है। करीब करीब 11 बजे तक इन तीनों देहात की विधानसभा क्षेत्रों को रवानगी दे दी जाएगी, जिसके बाद शहर की जो 3 सीटें हैं, कोटा उत्तर, कोटा दक्षिण और लाडपुरा, वहाँ के लिए पोलिंग पार्टीज रवाना की जाएगी। जी पूनम, चलिए ठीक है, आपसे आगे भी हम जानकारी लेते रहेंगे, आप बने रहिएगा हमारे साथ। एक बार फिर से विनोद सिंह चौहान का रुख कर लेते हैं। विनोद, देखा जाए तो पिछले बार की तुलना में इस बार आपको क्या खास नजर आ रहा है, क्योंकि हमेशा होता है कि वोटर्स की संख्या कम नहीं होती बल्कि बढ़ती है, नए वोटर्स जुड़ते हैं और थोड़ा सा जो पुराने वोटर्स हैं वो अपडेट होकर आते हैं क्योंकि न्यू टेक्नोलॉजी आ जाती है, न्यू तैयारियां कर ली जाती है। इस बार आपको क्या नया नजर आ रहा है? सबसे बड़ी बात यह है कि राजस्थान को निर्वाचन आयोग ने एक बड़ा तोहफा दिया है होम वोटिंग का। देखिए 62,000 से ज़्यादा मतदाताओं ने होम वोटिंग करी, 80 वर्ष से अधिक आयु के और 40% से अधिक दिव्यांग जो हैं उन्होंने 25-25 साल बाद वोट डाला है। जिस तरह की तस्वीरें फर्स्ट इंडिया ने दर्शकों को दिखाई थी जब वोट उन्होंने दिया था, तो साफ तौर पर ऐसे लोगों ने कहा था कि हमने 25 साल बाद वोट दिया है होम वोटिंग के जरिए। तो एक सुखद तस्वीर सामने आई कि देखिए अब तक वोटिंग के दौरान लोगों को खाट पे लाकर, किसी वाहन में लाकर के वोट डलवाया जाता था, लेकिन पहली बार निर्वाचन आयोग उनके घर तक पहुंचा है, होम वोटिंग की सुविधा दी, 62,000 से ज़्यादा ने आवेदन किया। और देखिए अब आपको बताएं कि यहाँ पर दूदू विधानसभा क्षेत्र की पोलिंग पार्टियाँ रवाना हो गई है, बस में बैठ गई है। कैमरामैन गिरीश से कहूँगा कि एक बार वो दिखाइए, देखिए पहली पोलिंग पार्टी ने अपनी बस पकड़ ली है, पहली पोलिंग पार्टी के साथी जो हैं वो पहुँच गए हैं। आइए दूसरी बस में सवार हुए हैं, शायद वो दूसरी बस में यहाँ सवार हुए हैं। तो यहाँ पर पहली पोलिंग पार्टी के जो हैं वो रवानगी दे दी है। तो अब माना जा सकता है कि एक एक करके सभी बसें शुरू होने वाली हैं और बस इंतजार है कि रवानगी कब होती है। बगरू और दूदू कि सभी जो ईवीएम है वो आवंटित कर दी गई हैं, सभी दिशा निर्देश भी जारी कर दिए गए हैं और बताया गया है कि आपको 48 घंटे तक वो स्थान नहीं छोड़ना है, मतदान केंद्र पर ही आपको रहना है, रात भी वहीं गुजारनी है और कल शाम को जब मतदान समाप्ति होगी उसके बाद ईवीएम संग्रहण का काम राजस्थान कॉलेज में आकर के पूरा करना है, चाहे रात के 2 बजे या 3 बजे। सारी प्रक्रिया पूरी करने के बाद ही माना जाएगा कि आपने 48 घंटे में अपनी ड्यूटी पूरी करी है और आदर्श आचार संहिता का पालन किया है।
बिल्कुल, आचार संहिता की पालना ये सबसे ज्यादा महत्वपूर्ण है। शुभम, आपको क्या लगता है इस बार क्या खास तैयारी की गई है? होम वॉचिंग तो है ही और प्रशिक्षण भी पूरा दे दिया गया है, कई जगहों पर अभी भी चल रहा है, मतदान दलों की कई जगह पर रवानगी भी हो रही है, आपने जैसे कहा था कि यहां पर बस होने वाली, आप बताइए अभी आपके पास क्या कुछ जानकारी है पिछले बार की, अब की बार अगर देखा जाए तो क्या नया आपके पास, आपको क्या लगता है? ठीक है, एक बार आपसे जुड़ने की कोशिश करेंगे। अभी राजीव का रुख कर लेते हैं। राजीव, आपके पास क्या कुछ जानकारी इस बार, आपको जोधपुर में क्या नया, क्या खास नजर आ रहा है? देखिए, जोधपुर के जो जिला निर्वाचन अधिकारी हिमांशु गुप्ता पूरी टीम के साथ में, तमाम जो प्रशासनिक अधिकारी पुलिस अधिकारी उनके साथ में दौरा कर रहे हैं सुबह से, तमाम जो ट्रेनिंग कैसे चल रही, कैसे मतदान दलों की रवानगी होनी है बात भी कर रहे थे। सर, 27 लाख मतदाता इस बार है, किस तरह से चाक चौबंद तैयारियाँ हैं निष्पक्ष मतदान के लिए, ट्रेनिंग, ये पार्टी रवाना होनी शुरू हो गई, किस तरह की व्यवस्था है? देखिए, आज पार्टी रवाना हो रही है, P-1 पे 200 विधानसभाओं की रवानगी है, 5 की सुबह है अभी और 5 हमने 11 बजे का कॉल ऑन रखा है, उनको हम लगभग 2 बजे के आसपास, 1-1.5 बजे के आसपास रवाना कर देंगे। चाक चौबंद व्यवस्था है और इस बार ECI से हमें CAPF भी पर्याप्त मात्रा में मिला है और आपको जैसे पता है कि 50% बूथ पे वेबकास्टिंग की जा रही है, तो भारी संख्या में पुलिस डिप्लॉयमेंट और टेक्नोलॉजी का डिप्लॉयमेंट है और मुझे उम्मीद है कि जैसे पहले से शांतिपूर्वक जोधपुर में चुनाव होता रहे वो होगा। और मैं आपके माध्यम से जोधपुर की जनता से भी निवेदन करूंगा कि आप भारी संख्या में मतदान करें पर शांतिपूर्वक मतदान। चुनौती बड़ी है, जिला बड़ा है, 10 विधानसभा क्षेत्र है, मतदाता भी बड़े हैं, संवेदनशील भी काफी सेंटर्स है, किस तरीके से आप चर्चा को जारी रखिएगा।